नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, जिसके कारण आपके घुटनों में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना या शरीर में खून की कमी होना, ये समस्या हो चुकी है, तो आज से ही इसे दूध में उबाल कर लेना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते के बाद आप अपना कैल्शियम चेक करवाइएगा, आपका कैल्शियम नॉर्मल आ जाएगा। दोस्तों किसी सप्लीमेंट को लेने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में कैल्शियम की कमी, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, सबसे आजादी पा सकते हैं आप। यह पीना आज से शुरू कर दीजिए। 100 साल तक शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती, और अगर शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हुई, अगर शरीर में कैल्शियम पूरा रहा तो जोड़ों और हड्डियों के रोग कोसों दूर रहेंगे। दोस्तों कैल्शियम की कमी होने से हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, ये सभी चीजें शुरू हो जाती हैं। घटता हुआ कैल्शियम हड्डियों में टकराव को पैदा कर देता है, हड्डियों का दर्द पैदा कर देता है। दोस्तों दिन भर काम करने के बाद शरीर में थकावट और कमजोरी तो हो ही जाती है, लेकिन अगले दिन भी ये थकावट ऐसे ही बरकरार रहती है तो इसे नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि शरीर में दर्द रहना, हाथों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, थकावट रहनी, ये शरीर में कैल्शियम की कमी से होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर काम करने से पहले ही थकावट महसूस होती है, जोड़ों में दर्द और जोड़ों से आवाज आती है, पिंडलियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सूरज की रोशनी में बहुत कम जाते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो ही जाती है। अधिक समय तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये हड्डियों को बिल्कुल कमजोर कर देता है। इसके साथ साथ कैल्शियम की कमी होने पर हमारी आंखों में रूखापन रहने लगता है, स्किन भी ड्राई रहने लगती है, खिंची खिंची सी रहने लगती है, इसके साथ साथ बाल भी बेजान हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिसका सेवन करने से बुढ़ापे तक आपको कभी भी कैल्शियम की कमी शरीर में नहीं होगी। दोस्तों इसमें हम दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों चीजें आपने जरूर लेनी है। पहली चीज है तिल लेना। दोस्तों तिल, जिसे सीसम सीड कहा जाता है, तिल, एक चम्मच तिल खाने से शरीर के अंदर 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम पहुंच जाता है। यह तिल न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं बल्कि हमारे दिल की मांसपेशियों को भी एक्टिव करते हैं। इसे लेने से थकावट नहीं आती। इसके अलावा काम करने के बाद भी शरीर में चुस्ती बनी रहती है। इसके अलावा तिल का रोजाना सेवन करने से बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर में से बाहर होने लगता है। अगर किसी इंसान को हार्मोनल इंबैलेंस हो चुका है उसके लिए भी तिल का सेवन करना बहुत अच्छा है। अगर किसी पुरुष में मर्दाना कमजोरी हो चुकी है तो उनको भी रोजाना सफेद तिल का सेवन इस तरीके से जरूर करना चाहिए। अगर कोई गठिया से पीड़ित है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उनको भी तिल का सेवन जरूर करना है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए भी तिल का सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। अगर आपके दांतों में दर्द होता है, दांतों में पायरिया की समस्या हो चुकी है, तब भी तिल का सेवन आपने जरूर करना है। दोस्तों किस तरीके से करना है, एक काम करिएगा, आप तिल को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, यानी कि इसे हल्का हल्का सा भून लीजिए, उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए। सिर्फ एक चम्मच पाउडर आपने दिन में एक बार लेना है, दिन में आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा लेने के लिए आप जब भी लें आप खाली पेट होने चाहिए। दोस्तों ये तो था तिल का इस्तेमाल, इसका तो इस्तेमाल आपने करना ही है, क्योंकि तिल का सेवन करने से शरीर में पूरी जिंदगी कैल्शियम की कमी और हड्डियों के रोग नहीं होंगे। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं दोस्तों मल्टी विटामिन की। मल्टी विटामिन किस में ज्यादा होते हैं, वो है बादाम। बादाम को एक मल्टी विटामिन सुपर फूड कहा जाता है। यहाँ मैंने 4 से 5 बादाम लिए हैं और रात को इनको पानी में भिगो दिया, सुबह इनका छिलका उतार कर सेवन करना है। दोस्तों सुबह शाम अगर आप बादाम का सेवन दूध के साथ करते हैं तो आपको पूरा दिन थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये बादाम मल्टी विटामिन का काम करती है। इसके अलावा आपने पुराने जमाने में आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा 4 बादाम तो जरूर खाने चाहिए, शरीर में ताकत आती है। ये चीज बिल्कुल सच है। अगर आप सुबह नाश्ते से पहले अगर 4 बादाम दूध के साथ खाते हैं तो ये आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगी। बच्चों को भी इसे जरूर देना चाहिए। अगर कुछ बच्चों के दांत नहीं है, वो खा नहीं सकते, तो उन्हें क्रश करके देने चाहिए, उनको पेस्ट बना के देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किस टाइम पर इसको लेना ज्यादा फायदेमंद होगा, जिससे कि शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं हो और ना ही हाथ पैरों में दर्द, शरीर में दर्द हो। दोस्तों इस दूध और बादाम इनका सेवन आपने सुबह के टाइम करना है, और
अपने तिल और पानी का सेवन शाम के टाइम करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनका सेवन कर रहे हैं तो खाली पेट होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।